नमस्कार फ्रेंड्स, प्लैनेट हब में आपका फिर से स्वागत है। वृषभ राशि, शुक्र के घर की राशि, फलादेश अगस्त 2019 के बारे में चर्चा करेंगे। अगस्त का महीना कैसा रहेगा, वृषभ राशि वाले शुक्र के घर की जो राशि है, शुक्र एक, मैंने जैसे आगे भी बताया हुआ है, एक वैभवशाली ग्रह है, एक सौंदर्यवान ग्रह है, फैसिनेटिक ग्रह है, मनमोहक ग्रह है। जितने भी चलचित्र, जितने भी फैशन जगत चलती है, जो भी शौकीन लोग हैं, गाड़ी, बंगलोस, परफ्यूम्स या बड़े बड़े मॉल्स के अंदर जो शॉप लेके बैठे हुए हैं, उनका शुक्र तेज होता है। और वीनस जब भी तेज होगा तभी आदमी लग्जरियस लाइफ जी सकता है, उनको हर चीज़ प्राप्त होती है। शुक्र आरामदायक ग्रह है, ऐशो आराम में रहने वाला ग्रह है। उनको लिकर ज़्यादा पसंद रहते हैं, लिकर से उनका जुड़ाव रहता है, अपने आप वो सब चीज़ें बन जाती है। आदमी पहले कोई ऐसा रहता नहीं है, लेकिन समय ग्रह जैसे चेंज होते हैं उनके अंदर चेंजेस आते हैं। शुक्र मैंने जैसे बताया हुआ है वो स्त्री ग्रह है। स्त्री ग्रह होते हुए वृषभ राशि वाले व्यक्ति पर्सन का जो एक नेचर रहेगा वो बहुत ही सर्व समझो सौंदर्यवान रहेगा और वो खूबसूरत दिखने वाले रहेंगे। लोगों के अंदर उनका एक चार्मिंग रहेगा, जहाँ भी जाएंगे वो वहाँ की शान बन जाएंगे, अपने आप उनकी तरफ लोग खींचेंगे। उनको देख के लोगों को लगेगा ये इतने अच्छे सुंदर चेहरे वाले व्यक्ति कौन है। तो जितने भी वृषभ राशि वाले व्यक्ति पर्सन है वो ज़रा देख लें आँखें खोल के कि आपकी सुंदरता को, और ज़रा उसके ऊपर ध्यान दीजिए। जितने आप सुंदर दिखेंगे, जितना आप अपने सौंदर्यवान रखेंगे अपने आप को, उतना आपके प्लैनेट्स काम करेंगे, उतना आपके ग्रह काम करेंगे। अगस्त महीना कैसा रहेगा, अगस्त महीना सुपर डुपर रहेगा। गुरु का जो ब्राह्मण है वो आपकी राशि को देख रहा है, सप्तम स्थान में आया हुआ है और मंगल जाके बैठा हुआ है फोर्थ हाउस में। सूर्य विवाह चल रहा है, नई गाड़ी, नया मकान लेने का सोच रहे हैं, सोच बना के रखी है, एसेट्स लेने का सोच रहे हैं। बिजनेस में कुछ ना कुछ मूवमेंट आएगी अगस्त महीने के अंदर, जो काम कर रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ मूवमेंट आएगी, काम को बढ़ावा मिलेगा, रिनोवेशन होगा घर का या बिजनेस के अंदर, कोई ना कोई नई चीज़ लाओगे आप, उसमें कोई ना कोई मूवमेंट आएगी। बिजनेस, जॉब, प्रमोशन वगैरह भी आ सकता है। राहु चल रहा है सेकंड हाउस में, वो भी मिथुन राशि का ऊंच का राहु। यहाँ का राहु बहुत ही सुपर होता है। यहाँ प्रियंका चोपड़ा जी का राहु यहाँ बैठा हुआ है, वो भी मिथुन राशि का। ऐसे बहुत से लोगों का बैठा है, लेकिन एग्जांपल मिथुन राशि के राहु की प्रियंका चोपड़ा के बारे में बात करते हैं तो वो बहुत ही सुपर डुपर होता है। इन्होंने बहुत ही पैसे बनाए, नाम दमाया है और काम दाम दोनों बनाए हैं। उनकी जो सौंदर्य है उनकी चर्चा चारों तरफ रहती है। उनकी राशि भी वृषभ ही है, बोलता नाम इनका प्रियंका है लेकिन इनकी राशि वृषभ है। तो वृषभ राशि वालों के लिए रिश्ते सामने से भी आएंगे। जो अविवाहित पर्सन है वो शादी के लिए तैयार हो जाए, हाफ शादी हो गई है, एंगेजमेंट नहीं हुई है तो वो भी हो जाएगी, कोई टेंशन मत कीजिए, क्योंकि बहुत ही अच्छे प्लैनेट्स आपके चल रहे हैं ग्रह गोचर, इसलिए अगस्त महीना आपके लिए बहुत ही लक्की रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। शादी ब्याह की बातें चलेगी, अभी रिश्ते सामने से आएंगे और कहीं ना कहीं आप उनसे जुड़ भी जाएंगे। ऐसे और कई वीडियो लेके आऊँगा, तब तक के लिए नमस्कार।